नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट निदान प्रारंभ किया गया है, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यालय नहीं आना पड़े। लोगों की समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जिले में प्रोजेक्ट निदान के तहत आपका प्रशासन आपके आंगन अभियान की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में प्रोजेक्ट निदान के तहत कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जन समस्याओं के निराकरण के लिए जिले के जनपद पंचायत चावरपाटा के गांवों का भ्रमण किया गया था। इसके पूर्व नोडल अधिकारियों ने सेक्टर मुख्यालय भौजर के अंतर्गत आने वाले 10 ग्रामों का भ्रमण कर लोगों की समस्याएँ जानी। इसके पश्चात कलेक्टर रोहित सिंह की मौजूदगी में भौजर में समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। रोहित सिंह ने कहा कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मनसानुसार उनके संकल्पों को मूर्त रूप देने में हम और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत भौरझे से सरपंच प्रतिनिधि चौधरी रूप सिंह कौरव ने अपने ग्राम के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ग्रामवासी अपनी जो भी समस्या हो उसे निराकरण के लिए पंचायत भवन में आकर अपनी समस्या बताएं, जिससे कि पंचायत स्तर पर हम उस समस्या का तत्काल निराकरण कर सकें। जी, ये प्रोजेक्ट निदान जो हम लोगों ने शुरू किया है अपने जिले नरसिंहपुर में, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जिले में शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के सब प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों से जो योजनाएं लागू की गई सकें, वो घर घर तक पहुंचे और बिना मांगे, बिना आवेदन दिए, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए हुए पात्र हितग्राहियों को स्वयं वो सारे लाभ मिले, यही प्रोजेक्ट निदान का हमारा लक्ष्य है। और इसी के क्रम में हम हर बुधवार और हर शुक्रवार को हमने निश्चय किया है कि हम हर एक क्लस्टर में, वन क्लस्टर एट ए टाइम, बुधवार को और शुक्रवार को हम जाएंगे, हमारा जिला प्रशासन की पूरी टीम जाएगी और 10-10 पंचायतों में हमने 10-10 नोडल ऑफिसर्स लगाए हैं, जो सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक बैठते हैं और 3 बजे के बाद और 9 बजे से 3 बजे तक हम भी 10 पंचायतों में घूमते हैं और 3 बजे तक जितने भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनको हम सब ला करके एक जगह क्लस्टर मुख्यालय पर बैठ कर सबका निराकरण करते हैं। और ये जब कैंप हम लगाते हैं तो 15 दिन पहले से हम इसकी सूचना देते हैं, ताकि हर हितग्राही को पता रहे किस दिन कैंप लगेगा। और हमारा प्रयास ये है, हमारा लक्ष्य यह भी है कि जिस दिन हम लोग आएंगे उस दिन हमको कम से कम आवेदन प्राप्त हो, और उसका उद्देश्य यह है कि हमारे आने से पहले ही जितने भी आवेदन हैं उनका हल हो जाए, उनका निराकरण हो जाए, उनका निदान हो। तो अभी जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें आज जो हम यहाँ फॉरचेज क्लस्टर में हमने जो चौपाल लगाई तो 10 पंचायतों में हमको 405 आवेदन प्राप्त हुए, उसमें गरीबी रेखा के और शौचालय के, आवास के और आयुष्मान के, ये सारे आवेदन हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो हम, अच्छी बात यह है कि ये 405 भी आवेदन जो हमें प्राप्त हुए हैं हम इनको कम मानते हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 10-15 दिन से लगातार ये पंचायतें प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों का निराकरण किया जा सके। कलेक्टर साहब ने हमसे पूछी तो आप सरपंच साहब समस्या बताइए, तो मैंने की समस्या जहाँ है ग्राम के कार्ड बनने चाहिए, गरीबों की पेंशन बनने चाहिए, यही गरीबों की समस्या हल होने चाहिए, वो मकान बनने चाहिए। और ग्रामवासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ, कल ग्रामवासियों ने बढ़िया मुझको साथ दिया, मैं पूरे ग्रामवासियों को परिवार जैसा मानता हूँ, मैं सब लोगों का रिली हूँ। अब जिस ग्रामवासियों के जो कुछ काम हुए आनकर पंचायत में आनकर सुनाएं वो सचमों को, और तत्काल उनका निराकरण होगा, हर चीज़ के समस्या का हल करेंगे, जो समस्या हल करने वाली है तत्काल उसकी सुनवाई करेंगे।